ऐसे दोस्तों स्वागत है सबका द्वारा मेरे YouTube चैनल लैक्टोबी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कैमरा को लेके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनी के मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कैमरा 64 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, लेकिन जब उसमें से हम फोटो को कैप्चर करते हैं या फिर फोटो का क्लैरिटी देखोगे तो इतना गंदा आपको देखने को मिलता है, उसमें फोटो ब्लर होती है, या फिर उसकी पिक्सल की बात करें तो वो भी आपको ब्रोकन देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे बात करते हैं भाई आईफोन की, तो वो जस्ट आपको 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा देता है, लेकिन जब आप उससे फोटो को कैप्चर करोगे आपको इतना शार्प कलर की बात करें या फिर फोटो के कंट्रास्ट की बात करें, उसको अगर आप जूम करते हो तो उसकी बात करें तो आपको सब कुछ उसमें सही देखने को मिलता है। तो एक्चुअली ऐसा होता क्या है, कंपनियां क्यों धोखे देती हैं? आईफोन की क्लैरिटी इतनी हाई होती है और दूसरे अगर बात करें दूसरी कंपनियों की, उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, उसमें आपको जो क्लैरिटी होती है बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहाँ पे आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आती होगी कि भाई अगर हम बात करते हैं उसका 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, अगर हम जब उससे फोटो लेते हैं तो भाई इतनी गंदी फोटो आती है, ऐसा क्यों? क्यों इसकी जो जितनी भी स्मार्टफोन की कंपनी होती है उसके कैमरा की बात करें, क्या उसको गवर्नमेंट जितने भी उसके जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं वो उसको चेक नहीं करते? वो ऐसे कैसे पास कर देते हैं? ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जहाँ पे सिंपल सा मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा कुछ एसेसरीज नहीं है, तो मेरे पास एक जो बॉक्स है और थोड़े से जो मैंने कुछ ऐसा नीचे से उठाया, तो मेरे पास पुराने मोबाइल है, बैटरी है, ये सब कुछ है। आप ये सब कुछ भूल जाओ, इसके नाम इसके भी भूल जाओ, ये सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। आपको पता है कि कैमरा के पीछे जो होता है एक सेंसर लगा होता है, ठीक है, ये हो गया उसका सेंसर। इसको हम बोलते हैं इमेज सेंसर, या फिर इसको आप बोल सकते हो कैमरा सेंसर भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी ये जो मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ, ये वो कंपनियाँ होती हैं जो कि आपको 64 मेगापिक्सल बोलती है, भाई हमारे मोबाइल में 64 मेगापिक्सल का कैमरा वो मिल रहा है, हमारे मोबाइल में 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा वो मिल रहा है, लेकिन उसकी क्लैरिटी की बात करें तो बहुत गंदी होती है। ये हो गया कैमरा का सेंसर, ठीक है, जो कि आपको कैमरा के पीछे देखने को मिलेगा। अभी इस कैमरा के साइज का इतना कम है कि इसके अंदर हमको क्या कि 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा वो बनाना होगा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि इसी इमेज सेंसर के अंदर छोटे छोटे बॉक्स हो गए, उस बॉक्स में इनको जो होता है 48 मिलियन जो होता है वो पिक्सल वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो बोलती है भाई 64 मेगापिक्सल का हमारा कैमरा, लेकिन होता नहीं है, वो क्या करती है। आपको एक चीज जहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो कैमरा के पीछे लगा होता है उसको हम बोलते हैं इमेज सेंसर, या फिर उसको कैमरा सेंसर भी आप बोल सकते हो। तो वो कैमरा सेंसर क्या करते हैं, अगर तो कंपनी का कैमरा सेंसर होता है वो उसको अगर बड़ा लेती है तो उसका जो प्राइस होता है एक्सपेंसिव हो जाता है, अगर वो अपना कैमरा सेंसर को छोटा लेती है तो उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है। लेकिन आजकल हम कोई भी जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तब उनको पता कि पब्लिक सबसे पहले क्या देखती है, वो चाहिए देखती है कि भाई ये मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का, वो देखती है कि इसका 48 मेगापिक्सल है 64 है, हम तो भाई 48 वाला नहीं लेंगे, उतने प्राइस में हमको 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा वो भी मिल रहा है, हम उसको लेंगे, हम 48 को नहीं लेंगे। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए जहां पे कंपनी क्या करती है कि उनको जो ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा वो बनाना ही पड़ता है, चाहे उसकी क्वालिटी की बात करें कितनी भी गंदी हो। जहां पे मैं आपको एक चीज है वो समझा देता हूं, वो होता क्या है, जहां पे जितना भी मोबाइल के पीछे जो कैमरा सेंसर लगे होते हैं अगर वो कैमरा सेंसर का जो साइज होता है अगर तो वो बड़ा है तो उसका जो प्राइस होगा वो एक्सपेंसिव होगा, कंपनी को जो भी उसका जो स्पेयर पार्ट खरीदना पड़ेगा कैमरा सेंसर का वो एक्सपेंसिव होगा। अगर तो कैमरा सेंसर छोटा है तो कंपनी को उसके लिए पैसे जो होंगे वो कम पेड करने पड़ेंगे। तो ऐसे में कंपनियां क्या करती है कि एक जो छोटा मेज सेंसर होता है उसको खरीदती हैं। अभी उसको तो खरीद लिया भाई, अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि उसके अंदर हम ज़्यादा मेगापिक्सल तो लगा नहीं सकते क्योंकि कैमरा के जो सेंसर है उसकी साइज़ की बात करें तो वो काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में कंपनी सोचती है कि अगर हम यही छोटा जो सेंसर है इसके अंदर अगर हमने जो 8 मेगापिक्सल का लगा दिया या फिर 12 मेगापिक्सल का लगा दिया, तो लेकिन जो पब्लिक होती है वो तो सोचेंगी कि भाई ये तो इसमें तो बस 8 मेगापिक्सल आ रहा है, इसमें तो 12 मेगापिक्सल आ रहा है। इसी बात को ध्यान पर रखते हुए वो क्या करती है कि उसी छोटे इमेज सेंसर के अंदर 64 मेगापिक्सल को एडजस्ट करती है। कंपनी क्या करेंगी कि ट्राई करेंगे कि जितना भी ये कैमरा का सेंसर है इसके अंदर हम जितने भी पिक्सल होंगे उसको एडजस्ट करेंगे। पिक्सल के साइज की बात करें तो वो इतने होंगे, अगर हम इतना इतना पिक्सल इसके अंदर डालते हैं इमेज सेंसर के अंदर तो फिर ये ऑलमोस्ट कितने आएंगे, मतलब कि इसके अंदर उतना ही करेक्ट पिक्सल आ सकते हैं जितना इसका साइज बना, जितना इसका कंपनी ने साइज बना के दिया है। अगर कोई कैमरा वाली कंपनी जो इमेज उसके स्पेयर पार्ट बनाती है कैमरा ने, उसने ये वाला इमेज वाला जो सेंसर बना दिया, ठीक है, अभी वो दूसरी कंपनी को भेजती है, वो बोलती है कि भाई इसके अंदर जस्ट आप 8
मेगापिक्सल ही डाल सकते हो, मतलब कि ऐसे ऐसे पिक्सल इसके अंदर 8 आएंगे। तो फिर कंपनी ऐसे में क्या करती है, अगर उसने 8 इसमें अंदर पिक्सल डाल दिए तो भाई लोग तो सोचेंगे कि भाई जीजस 8 मेगापिक्सल का कैमरा हम नहीं इसको खरीदेंगे। कंपनी फिर क्या करती है कि वो पिक्सल के साइज होते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे करके इतने इतने छोटे करके उसके अंदर डालती रहती है, सेंसर के अंदर डालती रहती है। फिर वो जब 48 जो पिक्सल होते हैं यानी कि 48 मिलियन जब उसके अंदर जो पिक्सल डाल देती है तो जो बात करें फिर वो बोलती है कि भाई हमने आपके लिए जो कैमरा रेडी किया वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा रेडी किया है। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए तो भाई ये 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर 48 मिलियन जो पिक्सल है वो डाल दिया। लेकिन अगर हम सही तरीके से जाएं तो ये एक बहुत गलत तरीका है। इसी तरीके से कंपनी क्या करती है कि एक छोटा जो इमेज सेंसर होता है उसको खरीदती है, उसके बाद वो खरीद के क्या करती है कि उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा जो पिक्सल डाल के अगर 64 मेगापिक्सल का उनको कैमरा बनाने का तो 64 जो मिलियन उसके अंदर पिक्सल डालेंगी, चाहे इमेज का सेंसर का साइज छोटा ही हो तो लेकिन फिर भी वो उसके अंदर कैसे भी उनको घुसेड़ के आपको बता देंगे कि भाई हमने 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा वो रेडी किया है। तो इसके नुकसान की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है। सबसे पहले इसके नुकसान की बात करते हैं, इसमें होता क्या है कि जो छोटे पिक्सल होते हैं वो अच्छे से जो जब भी हम फोटो को कैप्चर करते हैं जो कॉन्ट्रास्ट होता है या फिर जो ब्राइटनेस या फिर कोई शाइनिंग होती है जो आती है वो उसको अच्छे से कैप्चर नहीं करते हैं, फोटो ब्लर हो जाती है, उसको अच्छे से वो कलर को कैप्चर नहीं कर पाते या फिर जितनी भी दूसरी चीज़ें होती हैं या फिर फोटो को ऑप्टिमाइज करना हो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन कंपनी को जस्ट इतना दिखाने का पब्लिक को कि भाई हमारे पास जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो जहाँ पे कंपनी ऐसी ट्रिक यूज करती है और आप सबको जहाँ पे पागल बनाती है, जहाँ पे सब लोग ऐसे उसको परचेज करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई 64 मेगापिक्सल है चलो ठीक है, 32 मेगापिक्सल हम इसको परचेज करते हैं काफ़ी सही है। लेकिन ये जो कंपनी का प्रोसेस होता है ये एक देखा जाए तो काफ़ी गंदा प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग अगर वो कैमरा को बनाते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि दो कंपनियाँ ऐसी है जो ऐसी गलती नहीं करती है, सबसे पहले वो आईफोन और दूसरे नंबर पर गूगल, गूगल पिक्सल के आपने कहीं फोन देखे होंगे, गूगल नेक्सस, जिस दो ऐसी कंपनियाँ जो ऐसी गलती नहीं करती है, जितना सेंसर उनके पास होगा वो वैसे काम करती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन की क्लैरिटी क्यों ज़्यादा होती है। सो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आईफोन की जो क्लैरिटी होती है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है। अगर उसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा तो उसकी क्लैरिटी की बात करें तो काफ़ी सही होती है। मैं इस बात को समझाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है मैं वैसा ही करूँगा। सबसे पहले ये वाली चीज़ है, इसको आप इमेज जो सेंसर होता है वो ले सकते हो। कंपनी ने ये वाला इमेज सेंसर जो बनाया उन्होंने बोला कि इसके अंदर जस्ट आप जो 12 मेगापिक्सल यानी कि 12 मिलियन जो पिक्सल है वो ही डाल सकते हो, इससे ज़्यादा जो पिक्सल है वो नहीं डाल सकते। तो कंपनी इसमें क्या करती है कि सबसे पहले जो देखती है कि इमेज का सेंसर का वो साइज़ कितना, उसके बाद जो इसके अंदर जो पिक्सल डालती है वो पिक्सल का साइज़ की बात करें वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो अंदर जो पिक्सल आएंगे कंपनी डालेंगी वो जस्ट 12 पिक्सल डालेंगी, 12 बल्कि 12 मिलियन जो पिक्सल होंगे वो ही डालेंगी। तो इसी बात को देखती है वो इसके अंदर ज़्यादा पिक्सल नहीं डालते हैं। तो जहाँ पे पिक्सल की बात करें तो उसके साइज़ की आप देखोगे तो जहाँ पे साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन जहाँ पे दूसरी कंपनी की जो पिक्सल की साइज़ की बात करें तो वो छोटे छोटे उसको जो पिक्सल होते हैं वो इसके अंदर डालने पड़ते हैं। तो इसी में इसी बात को देखते हुए जहाँ पे बात करूँ पिक्सल का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब जहाँ पे जैसे पिक्सल का साइज बड़ा होता है उसके कारण जो ज़्यादा लाइट होती है वो अंदर आ सकती है। उसके बाद जहाँ पे बात करते हैं हम दूसरी चीज़ों की, जैसे कि उसके अपर्चर की बात करें तो अपर्चर भी उसका जो होता है काफ़ी छोटा अपर्चर होता है, जितना छोटा अपर्चर होगा वो लाइट उतनी अंदर क्रॉस करेंगी, उसके कलर अच्छे आएंगे, ब्राइटनेस अच्छी आएंगी, ये सब बात होगी कैमरा की। लेकिन जहाँ पे आईफोन की बात करें तो उसके जो कैमरा का एल्गोरिदम होता है वो भी काफ़ी सही होता है, वो एक स्मार्ट तरीके से जो होता है वो काम करता है, उसको पता होगा कि कहाँ पे उसको फोटो को जो वो ब्राइटनेस देने का है, उसके बाद उसको कंट्रास्ट कहाँ पे करने का, और जो फोटो आपको लास्ट में वो आईफोन डिस्प्ले कराता है वो सब कुछ वो एडजस्ट करके उसके बाद ही वो डिस्प्ले कराता है। आईफोन के कैमरा की बात करें वो अकेला इसके पीछे ऐसा नहीं है कि उसी के कारण सब फोटो सही आती है, उसके बाद जो अपर्चर होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है आईफोन का। उसके बाद जहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर भी इसके साथ जो काफ़ी कम्युनिकेट करता है, एक स्मार्ट एल्गोरिदम होता है जो फोटो का कंट्रास्ट सही करता है या फिर उसकी ब्राइटनेस अच्छी लेके आता है। मेन सेंसर की बात करें उसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर जो पिक्सल लगे होते हैं उसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, ये सब कारण होता है जिसके कारण आईफोन का जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है वो काफ़ी सही होता है। तो जहाँ पे बात करते हैं दूसरे कंपनी के बारे में, लेकिन उनका जो कंपटीशन है कैमरा के कंपैरिजन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जब भी कोई आईफोन के कैमरा की बात करते हैं तो भाई वो ये बात नहीं देखते कि वो कितना मेगापिक्सल का, उनको पता है कि आईफोन का कैमरा काफ़ी सही होता है। लेकिन जहाँ पे दूसरी कंपनी की बात करें, रियलमी की बात करते हैं, शोमी की बात करते हैं, अगर जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि शोमी या फिर रियलमी कंपनी कुछ ऐसा कर देती है वो कि जितना भी आईफोन का जैसा प्रोसेसर कैमरा का वो पूरा वैसा ही करती है, मेन सेंसर बड़ा लगती है या फिर उसके अंदर जो पिक्सल का साइज है वो भी बड़ा रखती है, उसके बाद वो क्या करती है कि एक स्मार्ट एल्गोरिदम भी उसमें लेके आ जाती है और उसका जो प्राइस होता है मोबाइल का वो रख देती है 30,000। ठीक है, 30,000 में वो अगर लेके आता है 12 मेगापिक्सल कैमरा तो लोग भाई वो मोबाइल नहीं लेंगे। लोगों को पता है कि रियलमी ने पहले जो 64 मेगापिक्सल के जो कैमरे निकाले थे अपने मोबाइल में उनकी क्लैरिटी कितनी थी, लेकिन अभी वो 12 मेगापिक्सल का जो निकाले हैं उसके
उसकी क्लैरिटी कैसी होगी। तो लोगों के मन में ऑलरेडी वो वैसे सवाल बन चुके हैं, जहाँ तक सभी कंपनियों के बारे में ऑलमोस्ट ऐसे सवाल बन चुके हैं आईफोन को छोड़ के, क्योंकि आईफोन को पता है कि लोगों की क्लैरिटी, इस कैमरे की क्लैरिटी कितनी होगी उनका। अगर वो 12 मेगापिक्सल है वो सही है, लेकिन अगर रियलमी सेम वही काम करता है आईफोन जैसा 12 मेगापिक्सल लेके आता है तो उसकी सेल नहीं होगी। इसी बात को डरते हुए जहाँ पे कंपटीशन चला है मेगापिक्सल का, और कंपनियाँ छोटे सेंसर के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो मेगापिक्सल है वो डाल रही है। तो यही था जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जो मेरे को सवाल करते थे, भाई आईफोन का जो 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है तेरी सही क्लैरिटी होती है, लेकिन जहाँ तक दूसरी कंपनी की बात करें उनका 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो भी इतनी क्लैरिटी नहीं देता, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने एक पूरा जो प्रोसेस आपको करके बताया कि कैसे ये सब कुछ होता है, क्यों कैसे कंपनियाँ एक छोटे सेंसर के अंदर बहुत सारे जो पिक्सल होते हैं वो लगा देती है, जस्ट दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमारा जो कैमरा ये 108 पिक्सल आ गया, 64 मेगापिक्सल आ गया। लेकिन जहाँ तक ये सब जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी गलत होता है। बेटा जब भी आप कोई स्मार्टफोन लेते हो उसका रिव्यू देखें, उसकी अनबॉक्सिंग देखें यूट्यूब से, उसके बाद उसके जो कैमरा का कंपैरिजन होता है ये भी जरूर देखें कि उसको रियल में वो कैमरा की जो क्लैरिटी होती है वो कितनी दे रहा है। या फिर बेटर अगर आपके दोस्त या फिर किसी ने पहले उसको परचेस किया हुआ है तो उसको जो थोड़ा चला के देखें, उसका कैमरा को यूज़ करके देखें, अगर आपको पसंद आता है, या फिर सच्ची में वो उतना मेगापिक्सल होता है, वैसे होता तो नहीं है भाई, अगर फिर भी थोड़ा क्लैरिटी अच्छा देता फिर ही आप उसको परचेस करिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त मेरे नहीं है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।